श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसाख का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में किए जाने वाले उपाय कभी भी असफल नहीं होते। आप जिस भी मनोरथ से कोई भी उपाय करते हो, वह मनोकामना आपकी महादेव पूरी करते ही करते हैं। इसे जो जो उपाय है, यह उपाय विशेष पुराने समय से आप कुछ मांग रहे हैं महादेव से, पर वह आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। आप परेशान से हो गए हो, ऐसा लग रहा है कि बाबा हमारी मनोकामना नहीं सुन रहे। कोई कार्य ऐसा है जो आपका अटका पड़ा हुआ है बरसों से, आपने उसके लिए कई उपाय भी करे हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो यह सर्व कामना पूर्ति के लिए, चाहे वह मनोकामना आपकी विवाह को लेकर हो, चाहे किसी भी कार्य को लेकर हो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत समय काफ़ी वर्षों से अटके हुए कार्य के लिए करने वाला यह उपाय है। विशेष परिस्थिति सामने आ गई है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है हमारे, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदीजी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसाख के महीने में दो लोटे जल वाला यह एकदम सरल उपाय है, अच्छा उपाय है, आप सब कर सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, आपको वीडियो में पूरा उपाय करके भी दिखाया जाएगा। आपको लेना है बेल पत्री। जी हाँ, क्या लेंगे? बेल पत्री। और आपको लेना है दो लोटे जल। अब आप क्या करोगे, पांच बेल पत्री लोगे और अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे। जब हथेली पर रखोगे बेल पत्री, तो ध्यान रखिएगा डंडी का भाग अपनी ओर करना और अपने हाथ में बेलपत्री, पांचों की पांचों बेलपत्रियों को जमा लेना, ठीक है। फिर आपको लेना है दो लोटे तांबे के, दो लोटे ले सकते हैं। तांबे के लोटे नहीं हो, आप चाहो तो एक स्टील का लोटा भी ले सकते हो। एक स्टील का और एक तांबे का आप लोटा भी ले सकते हो। दोनों लोटे में आपको जल भरना। तो आप क्या करोगे, हथेली पर पांच बेलपत्री जमाने के बाद दोनों लोटे को एक के ऊपर रखकर अपने हथेली पर जमा लो, ठीक है। जमा लिए, अब आप जाएंगे महादेव के मंदिर। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाइए। ऐसा मत सोचो कि शिवालय छोटा है कि बड़ा है। जो शिवालय आपके घर के पास हो, नज़दीक में हो, पहले वहाँ जाओ। वहाँ जाकर आप क्या करोगे, दोनों लोटे को साइड में रख दोगे। दोनों लोटे साइड में रखने के बाद जो पांच बेलपत्री लेके गए हैं, उन पांचों बेलपत्रियों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जी हाँ, पांचों की पांचों बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। गुरुजी ने कथा में क्लियर नहीं किया था कि एक एक करना है या पांचों करना है, तो अब तो पांचों एक साथ बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दो। और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो ना, अपने से विपरीत करना। आप जहाँ भी बैठे हो शिवलिंग के चारों तरफ में, जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत बेलपत्री की डंडी का भाग कर देना। अब जो दो लोटे आप लेके गए हो, जो आपने साइड में रखे हैं, उसमें जो ऊपर वाला लोटा है उसको उठाओ और उसका जल बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना है वह बोले। साथ में आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ, शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र है। क्या मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दो। अब एक लोटा जल हमारे पास बचा है अभी भी, उस लोटे के जल को आपको वैसे ही रखना है और मंदिर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का पेड़ हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, वहाँ पर उस जल को आपको जाकर समर्पित कर देना है। जी हाँ, दूसरा जल वहाँ समर्पित होगा। समर्पित करने के बाद जोली प्रसार के प्रणाम करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए फिर अपने घर में वापस आ जाइए। आप देखना, इस उपाय को करते ही आपका जो भी कार्य अटका पड़ा हुआ ना, उसमें आपको परिवर्तन नजर आएगा, कार्य होता हुआ आपको नजर आने लगेगा। तो बहुत अच्छा उपाय, वैसाख का पावन महीना है, आप जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।